से उत्तर यह कर दिया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो ये बड़ी जल्दी समझ जाते, और अगर उत्तर ऐसा कर दिया जाए कि महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास आज्ञा, तो इनकी समझ के बाहर। अरे भाई इस उत्तर में क्या कोई दुराव है, क्या कोई छुपाव है, क्या कोई घुमाव है? ना, बस कर्ता बन के अहम से बचने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर अगर ये कर दिया जाता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो महात्मा परशुराम जी कह सकते थे, सभा के लोग विचार कर सकते थे कि धनुष क्या तोड़ दिया है, धनुष को तोड़ कर कितना बड़ा अहंकार हो गया है कि भाषा यह बोली जा रही कि धनुष मैंने तोड़ा है। तो धनुष मैंने तोड़ा है कि भाषा नहीं बोली जा रही, किसने तोड़ा? दास तुम्हारा, और ऐसा भी नहीं कि स्वीकार ना करता हो कहीं के मोही आए। विश्व साहित्य में, विश्व व्यवहार में ना ऐसा दर्शन कहीं दूसरी जगह देखने को मिलेगा और ना सुनने को मिलेगा। संसार में लोग छोटा सा कार्य करते हैं तो अगर उससे पूछा जाए कि कार्य किसने किया तो लोग बड़े उत्साह से उत्तर देते हैं कि कार्य मैंने किया। मैं उसका, मैं उसका अहम आगे चलता है, लेकिन जिसने इतना बड़ा कार्य किया है, कितना बड़ा कार्य कि जो कार्य त्रिलोक का नहीं कर सकता, इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी वहां ये भाषा नहीं बोली जा रही कि धनुष मैंने तोड़ा है। हाँ तोड़ा है किसने? आपका दास। संसार में लोग छोटे से कार्य करते हैं तो अपने को बड़ा मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं, अपने को स्वामी मानते हैं, दूसरे को सेवक मानते हैं, लेकिन जिसने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा कार्य करने के बाद वो अपने आप को स्वामी के रूप में स्थापित नहीं करता, अपने को दास के रूप में स्थापित करता, तो विचार कीजिए कैसा दर्शन कहीं दूसरी जगह देखने सुनने को मिलेगा? नहीं नहीं, क्या समर्पण का इससे अच्छा भाव कहीं दूसरी जगह देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, क्या शिष्टाचार की इससे अच्छी भाषा और कहीं सुनने को मिली? लेकिन भला महात्मा जी इस शिष्टाचार की भाषा तो कहां समझो? राम जी जब बोलते हैं तो उनका बोलना कैसा है और उस पर इन्हें क्रोध आता है, कैसा बोलते हैं? तो कहा बोले वचन वाणी सर्वस्व से हित परिणाम सुनत ससि रस से। जिस समय राम जी बोलते हैं तो बोले वचन वाणी सर्वस्व से, ऐसा लगता है कि मानो वाणी के सर्वस्व, वाणी सर्वस्व, और वाणी कैसी है? हित परिणाम, परिणाम में वो वाणी हित हितकारी है और सुनने में कैसी है? तो कहा सुनत ससि रस से, ससि रस, ससि माने चंद्रमा और रस चंद्रमा का रस अर्थात अमृत। राम जी जब बोलते तो ऐसा लगता है कि मानो कानों में अमृत घुल रहा, ये भाषा, ये शिष्टाचार, ये समर्पण, ऐसी राम जी जब बोलते तो देश काल अवसर अनुसार, देश काल समय का बोध होता है। फिर भी महात्मा जी इस भाषा को नहीं समझ पा रहे, शिष्टाचार की भाषा। चलो भैया की भाषा इनकी समझ में आवे ना आवे,
हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भाषा इनकी समझ में जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए ये कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लगन। एक और अर्धाली इन्होंने पढ़ी थी सेवक पर, सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोग बिहारी। सेवक का हित किसमें है तो कहा साहिब सेवकाई, साहिब स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का हित है। लेकिन सेवा करें तो कैसे करें, इनकी अधाली बता रही थी करें क्या था सकल सुख लोग बिहाई, कैसे सेवा करें, करें सकल सुख लोग बिहाई, सारे सुखों का परित्याग करके और लोभ का परित्याग करके स्वामी की सेवा करें सकल सुख लोग बिहाई, तब सच्चे अर्थों में उसे वो कहलाने का अधिकार। एक मेरे मन में बात आई करे सकल सुख लोभ बिहाई, एक मन में बात आई कि अगर सेवक सुख का परित्याग नहीं करता है, लोभ का परित्याग नहीं करता है, अगर सेवक सुख चाहता है, देखिए दो चीजें होती हैं, सुख का चाहना और सुख का मिलना, मन में कामना होना और सहज में प्राप्त होना। संसार में महाराज कुछ चीजें ऐसी हैं दुर्लभ नहीं असंभव, क्या क्या तो कहा सेवक सुख चाह असंभव, मान भिखारी भिखारी व्यक्ति सम्मान चाहे असंभव, बेशनी धन बेशन करने वाला व्यक्ति धन चाहे तो चूंकि व्यसन लगा हुआ है तो धन ठहरने वाला नहीं, बेशनी धन अशुभ व्यक्ति व्यभिचारी व्यभिचार करने वाला व्यक्ति चाहे कि हमें परम गति मिल जाए असंभव, लोभी यश चाह लोभी व्यक्ति चाहे कि संसार में हमारा यश हो असंभव, चार गुमानी गुमान करने वाला व्यक्ति चार चाहे कि चार कौन है पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष असंभव। अगर इतने लोग इतनी बातें चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ तू ही दूध चाहे ये प्राणी, नभ माने आकाश, ऐसा लगता है आकाश को तू करके ये दूध प्राप्त करना चाहिए। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है उसी तरह अगर इतने लोग इतनी बातों की चाहना कामना करें तो ये सब असंभव, ये मिलने वाला नहीं है। तो इधर से तो कहा जा रहा है कि दास तुम्हारा, लेकिन उधर से उत्तर क्या आ रहा है शत्रु हमारा, नाथ संग धर्म अंजनी हारा अब हुई है तू एक दास, दास तुम्हारा। और उधर से महात्मा जी के द्वारा उत्तर क्या दिया जा रहा है कि सुनहु राम जही शिव धर्म तोरा तो सहस बाऊ समसो रिपू